हाय एवरीवन, मेरा नाम शिवम है और आज ईद का अवसर है तो सबको सबसे पहले सबको ईद मुबारक। और मेरे साथ दो काफ़ी खास लोग जुड़े हुए हैं। एक मेरी फ्रेंड है सना, जो बैंगलोर से है, जो कि एक बडिंग एंटरप्रेन्योर है। और दूसरे एक शख्स है जिनका नाम रोजन है और जिनका एक पिक हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ इंस्टाग्राम पे, स्पेशली वीगन नेटवर्क में, जिसके थ्रू मैं इनसे मुलाकात किया। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज डिस्कस करते हैं कि सना और रोजन कैसे अपना ईद सेलिब्रेट करते हैं और उनकी वीगन जर्नी के बारे में। सो दैट बीइंग सेड, सना, फर्स्ट ओवर टू यू, वेलकम सो मच एंड हाउ आर यू, एंड थोड़ा आप अपने बारे में बताइए सबको कि आप क्या करती है और आपकी वीगन जर्नी के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो मेरे बारे में थोड़ा, मैं वीगन आई थिंक 3 साल पहले बनी और अभी मैंने रिसेंटली वीगन कंपनी स्टार्ट किया है ऑफ पीनट बटर, इट्स कॉल्ड पी पैंक्स। सो आई मेक नेचुरल नट बटर्स विद ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, कीपिंग हेल्थ इन माइंड। और तो मुझे जानवरों से बहुत प्यार है and that's the reason I became vegan, and I'm so glad to be here on Eid and celebrating vegan Eid with you guys. Yeah, और before I move on to Rosen, I would like to say कि जो सना का जो peanut butter brand है Peapanks, मैं ये अभी तो फिलहाल सिर्फ ये Bangalore में sell कर रही है, and it is genuinely one of the most tasty brand of peanut butter that I've ever come across. स्पेशली जो इनका कैरेमल फ्लेवर है वो काफ़ी लाजवाब है। तो अगर आप बैंगलोर में हैं तो प्लीज़ ट्राई करिए, और अगर आप बैंगलोर के बाहर रहते हैं तो आइदर कॉमेंट सेक्शन पे हमें बताइए, सना को इंस्टाग्राम पे पिंग करके उसको परेशान करिए कि जल्द से जल्द वो पैन इंडिया अपना डिस्ट्रीब्यूशन चालू करे। सो दैट्स दैट। एंड रोजन भाई, वेलकम, हाउ आर यू? आप अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप कैसे वीगन बने और आजकल क्या कर रहे हैं। हेलो शिवम, सबसे पहले तो आज ईद थी तो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि अभी जो जहाँ पे मस्जिद के बाहर या वहाँ पे जो स्लॉटरिंग होती है, आज सुबह जब नमाज पढ़ने गया था तो वो सारे जो पिक्चर्स है वो अभी भी मेरे दिमाग में है। आई ट्राइड अलॉट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों की जान बचा सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर सकूँ वीगन ईद के लिए। आई ट्राइड माई बेस्ट, स्टिल there is a lots more sacrifice on this day. मैं सबसे पहले तो नॉन वेजिटेरियन ही था, फिर आई एम एनिमल फ्रेंडली बाय बॉर्न, तो मैं बचपन से ही जानवरों के साथ रहना, उनको अगर कुछ लग गया है तो उसको घर पे ला दो, उसकी केयर टेक करना, वो सब पहले से ही मैं कर रहा था। आफ्टर जब बड़ा हुआ तो काफ़ी सारे दोस्त है, काफ़ी सोशल मीडिया है, तो उस पर मैं अपनी पोस्ट करता था अबाउट एनिमल केयरिंग एंड ऑल। तो वहाँ पे कुछ लोग होते थे जो टॉन्ट करते थे कि आप इस एनिमल की मदद कर रहे हो पर सामने आप इस एनिमल को खा रहे हो, उसको मार रहे हो। तो वहाँ पे मैं हिट हुआ था एक बार, और तब मैंने अपनी जर्नी वेजिटेरियन स्टार्ट कर दी थी। आफ्टर दैट मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैंपेन किया था, आउटरीच की थी, तो उसमें मैंने जाना कि ये जो क्रुअल्टी है सिर्फ मीट इंडस्ट्री या एग इंडस्ट्री से ही कनेक्टेड नहीं है, ये जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारी रोज़ बरोज की खाने पीने की चीज़ें है, डेयरी है, सिल्क है, फिर लेदर है, फिर हनी है, और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं उन सब में भी थोड़ा थोड़ा करके मिल्क प्रोडक्ट आता है, तो वो सब में भी ये क्रुअल्टी जुड़ी हुई। देन आई स्टार्ट सर्चिंग फॉर ऑप्शन क्या है कि हम इसके इसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठा सके। तो सबसे पहले मैं वीगन कन्वर्ट हुआ था, वो मेरा ओवरनाइट कन्वर्जन था, मैंने टाइम नहीं लिया है, मैंने आज रात को सोचा था तो कल मेरी वीगन लाइफ स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद मैं वीगन हुआ, आई वॉज वीगन, मैंने सोचा कि मैं वीगन हो गया, चलो मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, मैं सबकी जान बचा रहा हूँ। पर देन सडनली मैंने देखा कि मेरे आसपास तो कुछ नहीं बदला, अभी भी मेरे आसपास के जो लोग हैं, जो कुछ भी है वहाँ पे उतनी क्रुअल्टी चल रही है, फिर उतनी उतना ही स्लॉटरिंग हो रहा है, उतना ही मेरे घर में भी उतना ही मिल्क प्रोडक्ट यूज हो रहा है। मैंने छोड़ दिया पर मेरा पूरा घर तो अभी भी खा रहा है। सो एट दैट टाइम आई थिंक के जस्ट बींग वीगन
यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, और आपको उनके लिए आवाज उठानी पड़ेगी कि जो खुद के लिए आवाज नहीं उठा सकते. सो एट दैट टाइम मेरी जो वीगन एक्टिविस्ट की जर्नी है वो स्टार्ट हुई, एंड देन व्हेन वीगन एक्टिविज्म स्टार्ट हुई. ये काफी अच्छा बोला आपने कि बहुत बार लोग वीगन होकर रुक जाते हैं, और ये हमें समझना होगा कि नंबर ऑफ वीगन्स काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू नॉन वीगन्स, है ही नहीं. मतलब अगर परसेंटेज पॉइंट्स में बात करें तो काफ़ी ज़रूरी होता है कि नॉट जस्ट बी अ वीगन बट एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट होना भी काफ़ी ज़रूरी है. एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि आप गए होंगे आज मस्जिद में और आपने जो वहाँ पे सीन देखा होगा, तो इट कैन बी रियली डिस्टर्बिंग, एंड पावर टू यू कि आप यू वेंट थ्रू इट. सो बट दैट बींग सेड रोशन, उसके अलावा आप कैसे ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार? इस बार लाइक ईद में आज सुबह हम जब उठे तो लाइक ट्रेडिशनली हमारे वहाँ ईद पे सेवइयाँ या खीर बनती है. सो एट बकरी ईद हमारे घर पे सेवइयाँ बनती है. तो इस बार मैंने घर पे ये चेंज लाया कि घर पे आलमंड मिल्क से हमने सेवइयाँ बनाई है, जो पूरे घर में सारे लोगों ने वही खाई है, और जहाँ पे आसपास में देते हैं, मतलब जितने भी हमारे पड़ोसी होते हैं उन सबके घर में भेजना होता है, तो सबके वहाँ मैंने वही सेवइयाँ भेजी है. एंड लाइक उनको कुछ पता ही नहीं चला है कि लाइक इट इज़ अ वीगन खीर और इट इज़ अ वीगन सेवइयाँ. सो कोई चेंज नहीं हुआ है, ना टेस्ट में कोई फर्क आया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक अच्छी चीज़ हुई सुबह सुबह. फिर लाइक वीगन सेलिब्रेशन में जो मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ, जितने भी एनिमल्स मुझे स्ट्रे में दिखते हैं तो उनको मैं फील कराता हूँ, एंड देन मेरा टारगेट एक स्लम एरिया है जो यहाँ पे लाइक जिनको ज़रूरत रहती है, जिनको दो टाइम का खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा है, तो वो स्लम एरिया में जाके मेरे से जितना हो सके, मतलब कुर्बानी के लिए जो जितना मैं कंट्रीब्यूट कर रहा था उतना कंट्रीब्यूशन या उससे ज़्यादा अगर मैं कैपेबल हूँ तो वो कंट्रीब्यूट करके उनका लाइक वन टाइम या टू टाइम जो हो सकता है इतने दिन खाना स्पॉन्सर करता हूँ. So nice to hear that, yeah. And I mean, I think Sana will also agree. Sana, yahi I think real definition of kurbani, when you're actually helping the needy, or at the same time aap koshish kar rahe ho ki kisi aur ke saath bura na ho. That being said, Sana, how did you celebrate your Eid? What aapne kya kiya aaj? So jo usual hota hai, like we family, we get together and we have our meals together on Eid. The thing in my family is we all of us aren't vegan. Only I am vegan over here. So, and I have a brother who's a vegetarian. So we actually sit together and eat our different meals. And you know, I think that has taught me to coexist. Initially, it was difficult for me, you know, because I was like somebody who was like different from the others, and you know. Our food habits or the way of looking at life and animals and you know how they feel or how I feel about them. So that like I think has changed, and now we peacefully celebrate Eid together. We sit and we enjoy our meal together. So yeah, I think that on my part is a sacrifice where I have to understand and you know let my family evolve at their own pace and come where I like what I feel for animals. Not necessarily they should feel the same, but I can respect that, and that's where I can expect or to be respected too. So मतलब ये काफी different perspective है जो मैं first time सुन रहा हूँ कि as a vegan you have a problem sharing the same dining table. I can understand. मैं अब जैसे non vegetarian के साथ मैं dining table अब नहीं share कर पाता हूँ, मतलब अंदर से मेरे को अजीब सा लगता है. लेकिन आप उसी को अपने साइड से एक कुर्बानी की तरह सोच रहे हो कि दैट इज़ समथिंग विच यू डू फॉर योर फैमिली. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है. तो एक चीज़ पूछना चाहूँगा सना, कि बिकॉज यू आर अ मुस्लिम एंड इट्स एप्लीकेबल फॉर बोथ रोशन एज वेल, कि बिकॉज आई एम ऑल्सो बंगाली राइट, एंड मैं बंगाली हूँ और लखनऊ से हूँ, तो मेरे घर में भी नॉनवेज काफ़ी प्रीडोमिनेंट है. तो जिनके जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, जिनकी फैमिली वेजिटेरियन होती है, उनके लिए स्लाइटली ईजी होता है वीगन होना इन इंडिया, बट हम लोग के लिए थोड़ा सा चैलेंज होता है. तो एज अ मुस्लिम वीगन आपको ऐसा फील हुआ है कि ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल है? बोथ सना एंड रोशन. सना, यू कैन गो फर्स्ट. यस डेफिनेटली, देयर वर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, देयर स्टिल आर एक्चुअली, एंड
there are people who you know make you feel like you're weird and you're doing something crazy and you know they mock your meals and like when we have like a get together or something they have something to say about your food like you know what is this ye kya hai ghas phoos and stuff and there are a lot of times when you doubt yourself also you know I've been vegan for 3 years but my transition it happened overnight like just like Rosin's like I saw Eeta post and you know I was like I can't do this and then the next day I was vegan and then I started losing weight because of that like a lot of people around me had to say something like you know it's because of my vegan diet that you know and they thought I'm losing my health as well but that wasn't really the case because it was an extreme decision even though it was not veganism so there's a lot of self-doubt involved because you're doing something really like different from the others you're not following the norm of you know eating non-vegetarian and so there are a lot of you know internal and external obstacles and I have like if you have that intention good intention for something and you know you have a cause in your head that I'm doing something right I know that I'm doing something right you know then I think nothing can stop you these obstacles aren't big enough as big as the cause that you're supporting so I think that's, you stick to it so that made me stick to what I believe in yeah that's so nice ki jab tak hame apne pata hai ki hamara why kya hai ki hum kyun kuch kaam kar rahe hain if we are strongly connected with that then ye sab kafi choti cheeze ho jati hai completely agree with that Roshan aapko aisa feel hua hai being a muslim vegan aapko dikkat zyada hui hai to be a vegan in your family matlab vegan koi bhi agar ban raha hai so as a muslim ho ya koi bhi religion ka person एक जो पर्सपेक्टिव होती है घर में वो घर में होती है माँ माँ होती है वो नहीं देख पाती है कि मेरा बेटा खा नहीं रहा है मेरा बेटा घी नहीं खा रहा है मेरा बेटा चीज नहीं खा रहा है मेरा बेटा बोटी नहीं तोड़ रहा है सो एट दैट टाइम आई टर्न वीगन मतलब मेरी मम्मी सारे एक्सपेरिमेंट करती थी कि लाइक मैं टोफू लाके दूँ तो वो टोफू पकाती थी पर उसमें थोड़ा पनीर डाल देती थी फिर अगर घर में दाल राइस बन रहा है तो वो जीरा राइस में अंदर 2 चम्मच घी डाल देगी सो देन लाइक इट वाज लाइक डिफिकल्ट क्योंकि हम लाइक 3 टाइम तो हम खुद बना के तो खा नहीं पाएंगे तो मतलब ये मुझे कन्विंस करने में 6 से 7 महीने लग गए थे कि मम्मी मैं जो भी खा रहा हूँ उससे मैं हेल्दी रहूँगा मेरे हेल्थ को कोई इश्यू नहीं आएगा एंड अपेरेंटली मेरी हेल्थ जो है इंक्रीज ही हुई थी आफ्टर मतलब जब मैं नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन था मुझे स्किन का बड़ा इश्यू रहता था मतलब रैशिश आ जाता है लाइक रेड पोलिट्स आ जाती मतलब वो चीज़ें मुझे अपेरेंटली कोई ना कोई मतलब सीजन चेंज होगा वो चीज़ शुरू हो जाएगी पर आफ्टर बीइंग अ वीगन वो चीज़ मुझे ख़त्म ही हो गई ना मैंने उसके लिए कोई मेडिसिन ली है ना कुछ किया है तो दैट आई डोंट नो वो इसकी वजह से हो रहा है पर वीगनिज्म की वजह से मेरी जो ये जो प्रॉब्लम थी हेल्थ में मेरा सुधार आया है एंड अगर घर की बात करें तो माय फादर वाज कन्विंस्ड मतलब मेरे पापा मतलब सपोर्ट ही किया है अभी तक उन्होंने कभी भी नहीं बोला है कि नहीं तू एक मुसलमान है तुझे मीट खाना पड़ेगा तुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी सो दैट इज लाइक माय सपोर्टिंग पिलर्स माय फैमिली माय सिस्टर इज आल्सो वेजिटेरियन एंड मेरी मम्मी है वो अब मुझे लाइक मैं उसको अगर प्रोवाइड करता हूँ अगर मैं उसको वीगन मायो प्रोवाइड कर रहा हूँ टोफू प्रोवाइड कर रहा हूँ वीगन चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ सो सी इज नॉट सिलेक्टिंग अ नॉन वीगन ऑप्शंस मैं अगर उनको मोक मीट लाके दे रहा हूँ तो वो पका के वो भी खाते हैं मैं भी खाता हूँ मतलब दे आर नॉट कन्वर्टेड वीगन उनको अगर मिलेगा तो वो खाएंगे पर जब तक मैं उनको सप्लाई दे रहा हूँ वीगन चीजों की तब तक वो लोग नॉन वीगन चीज को नहीं छुएंगे तो फैमिली की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी इससे ज्यादा पर हाँ जैसे कि सना ने बोला कि लाइक जो सोसाइटी होती है जो हमारे में एक समाज होता है सो उसमें लाइक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई कि समाज में अगर हम मैरिज में जा रहे हैं मैरिज में गए ऐसे हाथ पे हाथ दे के बैठ जाओ क्योंकि नॉट अ सिंगल बाइट कोई चीज ऐसी नहीं होती जो आप खा सकते हो आप दिखावे के लिए भी खा सकते हो कि ना भाई मैं खा रहा हूँ तो उस टाइम पे अगर लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो आपके आस पास है जिनको आपके कॉन्सेप्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं अगर वो अपोज कर रहे हैं सो इट इज क्वाइट लाइक सफोकेटिंग मतलब आप एकदम लाइक इरिटेट हो जाओगे उस चीज से क्योंकि आपको एक बंदा नहीं आपको 10 बंदे एक साथ बोल रहे हैं कि क्यों कर रहा है क्या कर रहा है ये और आप
उन 10 से 10 को एक साथ नहीं समझा सकते। सो उस टाइम पे लाइक अगर आपका समाज है तो वो आपको क्वाइट डिसअपॉइंट कर सकता है, आपको थोड़ा मतलब डीमोटिवेट कर सकता है। बट अगर आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, आप अपनी आंखों से देख सकते हो, आपके पास खुद का दिमाग है, आप सोच सकते हो कि एक एनिमल है वो सफर कर रहा है, एक कोई भी जानवर है उसमें एक जान है, अगर आप उससे वो जान ले रहे हो तो वो जान लेने का कोई भी सही तरीका नहीं हो सकता है, क्योंकि आप उसकी जान ले रहे हो, उसमें उसको सफरिंग होती ही है। तो ये मोटो अगर हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए तो काफी सारी चीजें सुधर सकती है। काफी काफी सारी इंटरेस्टिंग बात बताई रोजर, जो स्पेशली आपने ये वाली बात बोली ना कि मम्मी लोग होती है तो वो खाने में कुछ ना कुछ मिला देती है, मैंने भी फील किया है, फेस किया है। हालांकि मैं तो मेरी एज ज़्यादा है तो मैं घर से अलग ही रहता हूँ, मैं जॉब किसी और सिटी में कर रहा हूँ, मेरी फैमिली कहीं और है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा मेरे साथ हुआ था कि मैं घर जाना था तो उनको लगता था अरे घी एक चम्मच दाल में घी तो डाल ही सकते हैं क्योंकि आदत बनी पड़ी है। सो आई कैन सो रिलेट विद दैट। सदा आपके साथ भी हुआ है ऐसा कि घर वालों ने चुपके से आपको ऐसे खिलाने की कोशिश करी है, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ भी? घर में तो नहीं होता, मेरे माय मॉम एंड डैड बहुत सपोर्टिव हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी आके बोल देती हैं अरे ये वीगनिज्म छोड़ दो, वीगन मत बनो, तो मैं आई से लाइक मैं वीगन बन नहीं सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी वीगन हूँ। तो या मिलावट सब अब तक तो नहीं हुआ है, लाइक आई थिंक दैट इट्स दैट वे आई एम सेफ। सो या बट जब हाँ बाहर निकल के व्हेन वी गो रिलेटिव्स के घर सब, तो उसमें वहाँ वीगन खाना मिलना लिटिल मुश्किल हो जाता है। कैसे पुशबैक करते उस समय पे, क्योंकि मैं भी ये चीज़ फेस करता हूँ। मैं तो घर कभी कभी जाता हूँ, मान लीजिए 2 हफ्ते के लिए गया तो अपने रिलेटिव से मिलने जाता हूँ, और मैं जब नहीं खाता जब लोग ऑफर करते हैं तो लोग थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे रोशन ने बोला लोग उस वक्त में पूछते हैं अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अब ऐसे एक फॉर्मल सेटिंग, वहाँ पे मैं एक्टिविज्म नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मल सेटिंग में बात कर रहा हूँ, हर वक्त वो एक सही टेस्ट में बात आती नहीं है। तो मैं क्या कहते बोलता हूँ, नहीं ज़्यादा समय तो मैं ये बोल देता हूँ कि नहीं मेरी तबीयत खराब है या कुछ ऐसा, मैं ऐसे बहाने मारता हूँ। तो आप कैसे पुश बैक करते हो अपने रिलेटिव्स के घर जब विजिट करते हो या किसी फैमिली गैदरिंग पे जाते हो? तो शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि नो ये क्या है, क्यों नहीं खाती, ये अच्छा नहीं है, एंड यू नो इट बिकम्स रिलीजियस अगेन, इस्लाम का दे विल ब्रिंग इट अप एंड अलाउड नहीं है, अलाउ हुआ है या समथिंग, और बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है एंड आई गुस्सा आता, वुड बिकम एग्रेसिव एंड यू नो like I try to you know counter it, the like whatever they're putting across, I'd like to I would say things like you know ye sense nahi mai karta ya use your logic aur aisa nahi hai. Abhi time jaise time pass hua I understood that you know people will have their own perspective and I have mine, and if I want my perspective to be respected I have to respect theirs. Aur argument karke kuch fayda nahi hai, jab इंसान को समझना है, जब मुझे भी मैं जब नॉन वेजिटेरियन थी तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था, तो वीगन बनना पड़ा खुद से समझने के लिए। तो आई फील लाइक एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है, और नाउ दे अभी दे कुक फूड लाइक यू नो मे बी थोड़ा ऐसा बीच में बोल देते हैं, बट दे मेक सेपरेट फूड फॉर मी, लाइक वीगन खाना बनता है जब दावत होती है या कुछ। तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट, टाइम लगा बट वी रीच्ड, आई रीच्ड देयर। दैट्स गुड टू नो, बिकॉज़ व्हेन यू आर वेरी फर्म विद व्हाट यू बिलीव इन, राइट? तो एटलीस्ट जो आपके चाहने वाले जो आपको समझते हैं वो लोग समझ जाते हैं आपकी बात। तो जैसे मेरे पेरेंट्स अब मेरे सामने अब नॉन वेजिटेरियन की नॉन वेज फूड की बात भी नहीं करते, और जब मैं जाता हूँ तो घर पे कुक भी नहीं होता है। सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड जैसे रोशन ने बोला कि अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो काफ़ी ईजी हो जाता है, बिकॉज काफ़ी लोग को मैं जानता हूँ जिनकी फैमिली सपोर्ट ही नहीं करती है, तो उस केस में उनको मतलब काफ़ी उनके लिए हर दिन एक स्ट्रगल बन जाता है। सो दैट्स अ गुड थिंग। दैट बीइंग सेड, रोजन आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि सोसाइटी में आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है, और आजकल हम ऑनलाइन की दुनिया में ही रहते हैं ज़्यादातर, तो आई एम श्योर कि आपने ऑनलाइन में काफ़ी बार ऐसा लोगों ने आपको ट्रोल किया होगा, कुछ मुस्लिम्स ने बोला होगा कि यार यू आर नॉट अ रियल मुस्लिम, या इस टाइप के मैसेजेस आप फेस करते हो
अगर करते हो तो आप उसके साथ कैसे डील करते हो? आप उसको इग्नोर करते हो कि रिस्पॉन्ड करते हो कि प्यार से समझाने की कोशिश करते हो? या मतलब वो मैं सबसे पहले मैसेज ही देखता हूँ कि लाइक काफी सारे होते हैं कि जिनकी सीधी बात ही शुरू होती है लाइक अब्यूजिंग वर्ड्स से, वो है वो सीधा इससे ही चालू कर तो उसको मैं कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता क्योंकि मुझे पता है उनको अगर मैं समझा रहा हूँ तो भी इट इज अ वेस्ट ऑफ माई टाइम, उनपे मेरा टाइम वेस्ट ही हो रहा है, वो लोग नहीं समझने वाले, अभी वो इतने मैच्योर ही नहीं है क्योंकि उनको ये भी नहीं पता कि व्हाट इज अ सोशल मीडिया और उस पे कैसे बात की जाती है या कैसे कमेंट की जाती है. सो उनको मैं इग्नोर करता हूँ. इफ एनीवन कम्स विद लाइक लॉजिकल और समथिंग लाइक इस्लामिक रिलीजियस पर्सपेक्टिव, मतलब कोई अगर कॉमेंट कर रहा है, कोई हदीस कॉमेंट कर रहा है या कोई सूरह कॉमेंट कर रहा है, तो मैं उसको काइंडली उसके लाइक अगर वो सूरह का जवाब मतलब ऐसा है छोटा सा है तो मैं उसको कमेंट में रिप्लाई कर देता हूँ. और अगर मुझे लगता है कि ये बंदा लाइक इंटरेस्टेड है और लाइक काफ़ी सारे मैसेज आता है या कमेंट्स आती है कि कैन यू एक्सप्लेन प्लीज योर, मतलब आप अपनी जो मेंटालिटी है वो एक्सप्लेन कर सकते हो, तो मैं उनको मैसेज में पूरा वीगनिज्म भी समझाता हूँ, इस्लाम के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ हदीस है जो सपोर्ट करती है एनिमल राइट्स को, तो उसके बारे में मैं उनको समझाता हूँ. तो इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन. मैं पहले पर्सन को देखता हूँ, उसके आंसर देखता हूँ, उसके बाद में अपना टाइम उसको अपना टाइम दूं या ना दूं, उसके बाद में वो डिसाइड करता हूं. काफी सही बात है क्योंकि हमारा टाइम एज एन एक्टिविस्ट काफी लिमिटेड है और इतने सारे नॉन वीगन्स हैं, तो हमको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ता है कि यार कुछ जगह में लोग हमको गाली भी दे रहे हैं तो सुन लो, क्योंकि वहाँ पे कुछ फायदा नहीं होने वाला अपना टाइम लगा के. तो इट्स बेटर टू फोकस ऑन समवन जो थोड़े न्यूट्रल ओपिनियन के हैं ताकि हमारा टाइम भी सही से यूटिलाइज हो. सना, आपके साथ हुआ है ऑनलाइन में आपने ट्रोल्स फेस किए हैं फ्रॉम मुस्लिम सेइंग कि व्हाट यू आर डूइंग इज अगेंस्ट द रिलीजन, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट? ओह, आई डोंट थिंक सो, आई हैवंट. So that's a good thing. Yeah. That's a good thing, yes. Fine. आप अभी बहुत सेफ हो. हाँ. And I think सना का जो एक्टिविज्म भी ना थोड़ा सा डिफरेंट इरोजन, जैसे मैं समझ सकता हूँ कि आप और मैं एकदम हार्ड कोर एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हम बहुत ज्यादा जाके बात करते डिबेट करते. सना का जो एक्टिविज्म है वो थोड़ा डिफरेंट है और वो मतलब इफेक्टिव भी है क्योंकि ये क्या कहते हैं लोगों को वीगन काफी सटल, जैसे मैंने इनके पोस्ट देखे हुए काफी सटल तरीके से वीगन्स के बारे में या वीगन्स का जो थॉट प्रोसेस है उसको रखती है, स्पेशली अपने कुकिंग स्किल्स को लेके, राइट सना? यस यस. आई फील लाइक यू नो के वीगनिज्म रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिटरमिनेशन, तो और एक स्ट्रॉन्ग जो है दिल में वो विल बना देना चाहिए कि इट्स अ सेल्फलेस थिंग दैट यू आर डूइंग, तो वो बहुत मतलब एक यू नो यू हैव टू हैव दैट थिंग इन योर हार्ट दैट मैं ये कर रही हूँ और फॉर लाइक यू डूइंग फॉर एनिमल्स. उसके लिए वी कांट ऑब्वियसली नॉट एवरीबडी कैन बिकम वीगन, देयर ऑलवेज यू नो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट, बट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज टू स्ट्राइव टुवर्ड्स दैट. अगर वो एक चीज भी छोड़ सकते हैं जो डेयरी है, यू नो इफ दे कांट बिकम फुली वीगन वो ठीक है, बट अगर आप जो है अगर ब्रेड जो लेते हैं, अगर ब्रेड यू कैन बाय ब्रेड दैट इज विदाउट मिल्क, तो भी इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स यू नो नॉन वायलेंस. इट्स समथिंग, इट्स नॉट एवरीथिंग बट इट्स समथिंग. तो reduction is what I focus on, and you know I respect that everybody is in their different in it's a process, and you know they all of us are on a different journey, but if we can all slowly get there. I totally understand. ऐसे बहुत सारे activists हैं जो इस thought process से आते हैं कि reducitarian approach भी अच्छा होता है, जहाँ पे instead of getting a person to be 100% vegan, can we get them to reduce their consumption of animal products? So completely agree with that, Sana. And lastly, any message for non-vegans who are watching this, anything that you would like to tell them? I'd like to tell them that, you know, hum jo karte hain, one thing I want to really tell is ke hum bhi humans hain, even though we are vegans, humne ek step liya hai. So we also feel and we are doing something good for, you know, a higher purpose, a higher cause. So, you know, sometimes maybe we all can think about that and, you know,
आप भी अगर एक स्टेप लेंगे टुवर्ड्स वीगनिज्म, टुवर्ड्स रिडक्शन, इट्स ग्रेट एंड यू नो दिस ये जो स्टेप है हमारा वीगनिज्म के टुवर्ड्स, इट्स आउट ऑफ लव. तो अगर वो समझ सकेंगे तो यू नो प्यार से जो है एवरीथिंग, द ओनली थिंग दैट्स रियल इज लव. सो यू नो बी लविंग टुवर्ड्स योर फेलो मेंबर्स एंड देन एंड द एनिमल्स. सो I think that's where the world changes, and we are going to get better. We'll attain peace to that way. So maybe next, yes. So yeah. I think veganism, another word for veganism is love. We're doing it with love. Yeah, that's absolutely. So right. I'd like to. Yeah, so I'd like to see more love in the world. So nicely put, Sana. I love your optimism and your idealism. कि आप इतने अच्छे तरीके से इसको summarize कर पा रहे हो. And definitely, if we think, I think the word that I associate with veganism more than love, I think it's empathy. कि जो मुझे लगता है कि अगर हम किसी और के perspective को समझ सके तो आगे दिखते हैं तो वही solve हो जाती है. और इस पर्टिकुलर केस में आई कंसिडर वीगनिज्म एज अ सोशल जस्टिस मूवमेंट फॉर एनिमल्स. तो अगर हम उनके पोजीशन को समझ सके व्हाट दे गो थ्रू, देन इट चेंजेस. लाइक आई मीन दैट इज हाउ वी आल्सो स्टिक टू आर व्हाई, दैट व्हाई वी आर वीगन्स. दैट बीइंग सेड, रोशन, आपका एनी लास्ट मैसेज फॉर नॉन वीगन्स हु आर वॉचिंग दिस? नॉन वीगन्स को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो है हमारे पर्सपेक्टिव को एक बार समझे, हम भी आपके पर्सपेक्टिव को एक बार समझेंगे. और आप जो थिंक कर रहे हो लाइक के एक जीव, कोई भी एनिमल है, तो उसको आप एक जीव की तरह से, एक लाइफ बींग, मतलब वो जिंदा है, उसको एक चीज की तरह से या एक खाने की तरह से ना देखे, उसको एक जीव की तरह से एक बार देखे, उसके बाद आपका नजरिया बदल जाएगा उनकी तरफ देखने का. थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट. आपने आई थिंक एक कॉन्सेप्ट है सेंटियटिज्म, उसको हिंदी में बहुत अच्छे से समझाया कि हम इंस्टेड ऑफ सीइंग देम एज कमोडिटी, जैसे कि हम करते हैं कि उनको हम खाने की तरह देखते हैं या फिर प्रोडक्ट्स की तरह देखते हैं, बजाय उसके हम उनको स्पीशी, उनको क्या कहते हैं, एक सेंटिएंट बीइंग की तरह देखें, देन काफ़ी हमारा नज़रिया टुवर्ड्स वीगनिज्म चेंज हो जाएगा. दैट बींग सेड, थैंक यू सो मच रोशन एंड सना फॉर स्पेयरिंग टाइम ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ ईद. एक बार फिर से ईद मुबारक आप दोनों को और बाकी सबको भी जो देख रहे हैं. लिंक पे मैं रोशन का और सना दोनों का इंस्टाग्राम, थैंक यू फॉर हैविंग अस, और वीडियो के लिंक में मैं दोनों का इंस्टाग्राम हैंडल भी दे दूंगा, प्लीज उनको फॉलो करिए. और अगर बैंगलोर में है तो पीक पैंक से पीनट बटर जरूर ऑर्डर करिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.